नमस्ते, आज मैं चना दाल से बनाने जा रही हूँ कढ़ी पकौड़ा। तो चना दाल में, ये चना दाल है, रात को भिगो के रखी थी, अभी अच्छा फूल गया है, मैं इसको पीस के बनाऊँगी। पीस के बनाने से काफ़ी अच्छा कढ़ी बनता है और पकौड़ा भी खूब अच्छा मतलब फूल जाता है। तो ये मैं पीस ली हूँ, ये मेरा पूरा पीसा गया है। इसमें से मैं आधा निकाल लूँगी पकौड़ा बनाने के लिए और आधा का कढ़ी बनाऊँगी। तो पीसे हुए का बड़ा टेस्टी बनता है। ये देखिए, 3-4 चम्मच मैं निकाल रही हूँ और 2-3 चम्मच इसमें रहेगा। इसमें मैं कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ, 2 बड़ा बड़ा प्याज काटी थी। थोड़ा सा हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा गरम मसाला, और 2 ठो में हरी मिर्च काट के रखी थी पकौड़ा में डालने के लिए, और नमक। ये सारा मिक्स करके इसे ऐसे बनाने से ना पकौड़ा खूब अच्छा फूल जाता है, उसमें कढ़ी पी लेता है अच्छे से। तो एक बार ऐसे बना के देखिए, बड़ा टेस्टी बनता है। अब ये हो गया मेरा पकौड़ा वाला, और ये मैं कढ़ी के लिए घोल रही हूँ। चना दाल में दही मिला रही हूँ, 1 कटोरी दही है, बड़े चम्मच से 4-5 चम्मच, और हल्दी डाली हूँ। सारा मिक्स करके रख दूँगी। अभी ऐसे ही तड़का में डाल देना है इसको। तो मैं गैस जला रही हूँ, पहले पकौड़ा बनाऊँगी। तो मैं सरसों का तेल डाल रही हूँ, सरसों का तेल में बनाने से काफ़ी चटपटा बनता है। ये मेरा पकौड़ा बन रहा है प्याज का। ऐसे बना के देखिए, काफ़ी अच्छा कढ़ी बनता है, अच्छा टेस्ट आता है पीस के बनाने से। इसको मैं पलट रही हूँ, खूब अच्छा कलर आ जाएगा तब तक इसको पका लूँगी कि सोंधा सोंधा मतलब कढ़ी में अच्छा लगता है। तो ये मेरा पकौड़ा बन गया, इसको निकाल लेती हूँ। थोड़ा सा तेल कम करके फिर इसी कढ़ाई में मैं छौंकूँगी कढ़ी। ये कढ़ी का तड़का है। मेथी डाली हूँ, हींग और सूखा मिर्चा लाल वाला, और प्याज डालो, 1 बड़ा प्याज है। अब ये ब्राउन हो जाएगा तब इसमें कढ़ी डालूंगी मैं। तो ये ब्राउन हो गया है, ये जो दही बेसन में घोल के रखी थी तो उसको डाल रही हूँ। जितना पानी मतलब गाढ़ा पतला खाना हो अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो ये पानी मैं अपने हिसाब से डाल दी हूँ। उबलने लगा है मेरा कढ़ी, उबलने लगा है तो फिर मतलब 5 मिनट ही अच्छा से खूब उबल जाएगा तो कढ़ी पक जाएगी। और कुल मिला के शुरू से लास्ट तक 10 मिनट लगता है बनने में कढ़ी को। अब मैं पकौड़ा डाल दूंगी इसमें, और 2 मिनट बस इसमें पकौड़ा उबालूंगी, उसके बाद बंद कर दूंगी गैस। अच्छा उसी में कढ़ी पी लेगा अच्छे से। बढ़िया हो गया, देखिए पड़ गया। अब ढक के छोड़ दूंगी मैं थोड़ी देर। अब मेरा हो गया, देखिए पकौड़ा कितना मेरा बढ़िया फूल गया है। और अब इसके ऊपर मैं तड़का लगाऊंगी। तड़का लगा देने से थोड़ा सा और अंदर तो तड़का पड़ा ही है, थोड़ा सोंधा सोंधा और टेस्ट अच्छा आएगा। तो अदरक लहसुन थोड़ा सरसों और कढ़ी पत्ता डाल के, अदरक का स्लाइस है, ये तड़का दे रही हूँ ऊपर से। मैं ढाबा स्टाइल बनाने की कोशिश की हूँ, आप लोग एक बार बनाइएगा, देखिएगा कैसा बनाई हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।